कुछ करने की बात आई तो एक एनजीओ स्कूल में जॉब करने लगी वहीं पे ही अपनी सिटी में ही, और वहाँ पर मैं एक छोटा सा अमाउंट 8,000 रुपये की सैलरी अर्न करती थी। और आज की डेट की बात करें तो मैं एक प्राउड सीनियर गोल्ड डायरेक्टर ओरिफ्लेम के साथ हूँ, और वो 8,000 का चेक 80,000 में कन्वर्ट कर चुकी हूँ अपने लिए। उसी के बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे स्कूल में जॉब करती थी, कहीं ना कहीं एक एक बार वो सेटिस्फाइड भी थी कि चलो मुझे अब कुछ करने का मौका मिला, मैं अब कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन सपने, सपनों की बात करें, सपनों ने उड़ान भरनी शुरू करी, तो सपने बहुत बड़े थे और पैसा बहुत थोड़ा था। एक अनसेटिस्फैक्ट्री फैक्टर साथ में रन भी कर रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। स्कूल जाते जाते इन द मीन टाइम ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी बीच में आई। कैसे आई? क्योंकि 10 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था और मैं डेली बाय 2 व्हीलर यानी स्कूटी से डेली स्कूल जाती थी एंड आती थी। और इसी बीच स्किन केयर नॉलेज नहीं थी कुछ भी कि अपनी स्किन की कैसे केयर की जाती है। मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत पैची हो गई थी। तो वन ऑफ माई हस्बैंड्स कज़न, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया ओरिफ्लेम से कि इवन आउट क्रीम से कि आप इवन आउट यूज़ करिए एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। यूज़ करने के बाद इवन आउट एंड डेफिनेटली आई गॉट वेरी वेरी बेटर रिजल्ट्स एंड बेस्ट रिजल्ट्स। और ऑर्डर्स भी आते गए, लोग भी साथ साथ जुड़ते गए उसी चीज़ के साथ साथ, क्योंकि गिफ्ट्स आते हैं बहुत सारे, हमें सबको ही पता है। और गिफ्ट्स के लालच में कहीं ना कहीं हम एक बिजनेस क्रिएट कर जाते हैं जो कि हमें नहीं पता होता। जब गिफ्ट्स आए मैंने भी बहुत सारे अचीव किए, मेरी डाउनलाइन से भी बहुत सारे अचीव किए। एंड इन द वेरी फर्स्ट मंथ आई डिड माई 12% मैनेजर। पहली फर्स्ट मंथ में मैंने 12% कर लिया। एंड देन उसकी बात करें तो तब मैंने, जब मैं फर्स्ट की कैटलॉग लॉन्च में उसके बाद गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा, रिकग्निशन देखी एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे फुल फ्लेज बिजनेस में आना है ओरिफ्लेम के। एंड मैंने मेरी अप्लाइंस से मेरा एक ही क्वेश्चन था कि वो 50,000 का चेक मुझे कैसे मिलेगा। वहाँ से ओरिफ्लेम की जर्नी शुरू हुई और वो दिन और आज का दिन, वहाँ पर जॉब भी क्विट कर दी मैंने। उसी दिन जाकर मैंने जॉब क्विट कर दी और पूरी तरीके से ओरिफ्लेम के बिजनेस में आने का डिसीज़न लिया। और सही बताऊँ कहीं ना कहीं फैमिली अनसेटिस्फाइड भी थी इस चीज़ से कि जॉब क्यों छोड़ी, ये कोई काम ऐसा नहीं है कि तुम इसे लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। बट आई हैव प्रूव्ड इट कि इट्स अ लाइफ टाइम बिजनेस, ओरिफ्लेम इज अ लाइफ टाइम बिजनेस। ये मैंने प्रूव कर दिया और आज वो फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है जब मैं ओरिफ्लेम के मीटिंग्स में जाती हूँ, ट्रेनिंग्स में जाती हूँ। दे आर विद मी ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर मी। हमारा सिस्टम रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, अगर बात करें पूरे नेटवर्क की, 3 से 4 हम लोग एक पूरे महीने में इवेंट्स करते हैं जिसमें अटेंडेंस हमारी रहती है 100 से 150 लोगों की। उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग भी की जाती है, प्रोस्पेक्टिंग के भी अलग अलग वेज हैं। बाहर मार्केट्स में करते हैं, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हर तरीके से अपना ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोस्पेक्टिंग चलती है। लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है क्योंकि हम अलग अलग मीटिंग्स करते हैं, अलग अलग इवेंट्स करते हैं, अलग अलग थीम होती है। और उसके बाद बाकी मंथ्स में हम लोग पूरा फॉलोअप लेते हैं जिसमें कि हमारी एल्बम्स एंड एल्टूज सारी हो जाती हैं। और मेरी अचीवमेंट्स की बात करें तो 2017 एंड 18 में फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर इन इंडिया एट लेवल नंबर 8 रही हूँ। साउथ एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर नंबर 3 और आज फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर नंबर 1 भी रही हूँ।